माँ, मेरे पंख इतने छोटे हैं, मैं उड़ भी नहीं सकती। बाकी सब पक्षियों के पंख तो अच्छे खासे बड़े हैं, फिर मेरे ऐसे क्यों हैं? बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारे पंख भी बड़े हो जाएंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मिट्टू तोता अपने जंगल की दो छोटी चिड़िया चुन्नू मुन्नू के साथ बैठकर उससे बातें कर रहा था। बच्चों, हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने से हम कमजोर हो जाते हैं और कमजोर व्यक्ति कायर होता है, तो हमें कायर नहीं बनना चाहिए। लेकिन मिट्टू काका जी, हमें हार क्यों नहीं माननी चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आया। क्योंकि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हमें हिम्मत से काम करना चाहिए, तभी हमें जीत हासिल होगी। काका, क्या हिम्मत से काम करने पर कभी सच में हार नहीं होती? हाँ बिल्कुल मुन्नू बेटा, उनकी कभी हार नहीं होती। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों ही आपकी कहानी सुनेंगे। हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और प्रेरणादायक भी होती है, तो प्लीज आप हमें कहानी सुना दीजिए। एक बार की बात है, जंगल में एक चीन की चिड़िया रहती थी। उसके पंख बचपन से ही छोटे छोटे थे। फिर एक दिन चीन की चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे पंख इतने छोटे हैं, मैं उड़ भी नहीं सकती। बाकी सब पक्षियों के पंख तो अच्छे खासे बड़े हैं, फिर मेरे ऐसे क्यों हैं? बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारे पंख भी बड़े हो जाएंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ समय बाद चीन की चिड़िया बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके पंख बड़े नहीं हुए थे। वो उड़ने की कोशिश तो करती थी, लेकिन उड़ नहीं पाती थी। फिर एक दिन जंगल के पक्षियों में उड़ान भरने की रेस लगी। शर्त ये थी कि जो भी दूर तक उड़ेगा, वो इनाम का हकदार होगा। चीन चिड़िया अपनी माँ मिंकी से कहती है, माँ, मुझे भी रेस में हिस्सा लेना है, मुझे भी उड़ना है जैसे बाकी के पक्षी उड़ते हैं। उसकी बातें सुनकर सारे पक्षी हंसते हैं और तरह तरह की बात बनाते हैं। अरे ये चीन की चिड़िया क्या उड़ेगी, चल तो सही से पाती नहीं है, इसके नन्हे नन्हे से पंख भला क्या उड़ान भरेंगे। ये सब सुनकर चीन की चिड़िया बहुत उदास होती है। तब उसकी माँ उसे कहती है, बेटी, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, और किसी की बातों का असर खुद पर मत होने दो, तुम बस अपना काम मेहनत और लगन से करो। चीन की चिड़िया को उसकी माँ की बात समझ आ जाती है और वो रात में चोरी छिपे उड़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो अंधेरे में उड़ रही थी, तभी उसे उल्लू मिलता है। उल्लू कहता है, चीन की चिड़िया, रात में कहाँ उड़ रही हो, जरा हमें भी बता दो। उल्लू अंकल, मुझे रेस में जीतना है, आपको तो पता है सब पक्षी मेरा मजाक बना रहे थे, तो मुझे सबको जीत कर जवाब देना है। अरे तेरे पंख तो बहुत छोटे हैं, तो तू कैसे रेस जीत जाएगी, रेस जीतने का सपना भूल ही जाओ। उल्लू अंकल, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। तू सच में बहुत बहादुर लड़की है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ और तुझे रेस जिता सकता हूँ। चीन की चिड़िया खुश हो जाती है और उससे फुदक कर पूछती है, कैसे, आप कैसे मदद करोगे उल्लू अंकल, मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, मेरी माँ ने मेरा बहुत इलाज करवाया पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। देखो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पंख किसी काम के नहीं रहे। एक काम कर, तू मेरे पंखों से अपने पंख बना ले और ऊंची उड़ान भर, इसमें मैं तेरी मदद करूंगा। फिर उल्लू मिलकर चीन की चिड़िया के लिए सुंदर से पंख बनाते हैं और पेड़ की गोंद लाने को कहते हैं। चीन की चिड़िया पेड़ की गोंद लेकर आ जाती है। उल्लू अंकल उसके बनाए हुए पंखों को चीन की चिड़िया के पंखों पर चिपका देते हैं। लो हो गया काम, अब तुम रेस जीत जाओगी मेरी बच्ची, और सबको अपनी हिम्मत दिखा दोगी। अब तुम जाओ और जीत कर अपने उल्लू अंकल का नाम रोशन करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उल्लू अंकल, मैं आपको जीत कर ही दिखाऊंगी,
और आपका और अपनी माँ का नाम रोशन कर दूंगी। तुमसे मुझे यही उम्मीद है मेरी बच्ची। अब जाओ और जाकर पूरे आसमान को अपनी उड़ान दिखा दो। अगले दिन रेस का दिन था। सब पक्षी रेस के लिए तैयार थे। सब आपस में बोल रहे थे, अरे वाह, चीन की चिड़िया नहीं आई। लगता है उसे पता चल गया है कि वो उड़ नहीं सकती, तो वो खुद ही रेस में हिस्सा लेने नहीं आई। सब ऐसी बात कर रहे थे, तभी चीन की चिड़िया बड़े बड़े पंख लगाकर वहाँ पर उड़ते हुए आती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर चीन की चिड़िया अपने बड़े बड़े पंखों की मदद से ऊंची उड़ान भरती है और जल्दी से लौटकर वापस आ जाती है। देखने वाले पक्षी बहुत तालियां बजाते हैं और कहते हैं, सच में हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आज चीन की चिड़िया ने ये सच में साबित कर दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की सीख? आज की कहानी से क्या सीखा तुमने? काका, हमने सीखा है सच में हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम कुछ भी काम लगन से करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता ही है। जैसे उल्लू बनकर चीन की चिड़िया की मदद की और उसके पंख बना दिए। गौड़ी महाराज, ये सच है कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी जंगल में कोई नहीं है, लेकिन नीली चिड़िया के अंडे से पैदा होने वाला चूजा इस जंगल को तुमसे आजाद करा देगा। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसमें गोल्डी नाम का एक बाज रहता था। वो सभी पक्षियों पर बहुत अत्याचार करता था और उनके अंडों और चूजों को खा जाया करता था। उससे उलझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन गोल्डी एक तोते के पास गया जो कि जंगल के जानवरों के बारे में भविष्यवाणी करता था। गोल्डी महाराज, ये सच है कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी जंगल में कोई नहीं है, लेकिन नीली चिड़िया के अंडे से पैदा होने वाला चूजा इस जंगल को तुमसे आजाद करा देगा। नीली चिड़िया? वो तो इस जंगल में एक ही है, नीलू। मैं उसके अंडे से चूजा निकलने से पहले ही उसको खत्म कर दूंगा। ये बात पूरे जंगल में फैल गई और नीलू को भी पता चल गई। तब उसका पति बोला, गोल्डी हमारे चूजे को पैदा होने नहीं देगा, हमें उसकी सुरक्षा के लिए ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं अपने अंडे को जन्म दूं और उसको सुरक्षित भी रख सकूं? तुम अभी शहर के लिए निकल जाओ। वहाँ एक ऐसी जगह घोंसला बनाकर रहना जहाँ इंसानों की नजर ना पड़े, वरना वो लोग अंडों को भी नाश्ता बनाकर खा जाते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, मैं अभी निकल जाती हूँ, कहकर नीलू वहाँ से निकल गई। जब वो शहर पहुंची तो उसको एक घर की खिड़की दिखाई दी। ये कमरा चिंकी का था। उसने देखा कि उस कमरे में एक अलमारी यानी कबर्ड लगी हुई है जिसकी छत पर वो अपना घोंसला बना सकती है। ये अलमारी मेरे घोंसले को बनाने के लिए एकदम सही है, लेकिन जब ये बच्ची सो जाएगी तब रात में बनाना शुरू करूंगी, कहकर नीलू वहीं रुक गई। और फिर चिंकी के सोने के बाद उसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। सुबह जब चिंकी की आंख खुली तो अपनी कबर्ड के ऊपर बना घोंसला देखकर वो चौंक पड़ी और उठकर उसके करीब पहुंची। ओह माय गॉड, ये तो एक घोंसला है और इसमें बैठी ये चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है। ये सुनकर नीलू भी खुश हो गई और अपनी भाषा में बोली, चूं 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 चूं। ओह वाओ, तुम्हारी आवाज भी कितनी प्यारी है। काश मैं तुम्हारी भाषा समझ पाती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आज से मेरी दोस्त हो और हमेशा मेरे साथ इसी कमरे में रहोगी। चिंकी कमरे से बाहर गई और अपने साथ दो छोटी छोटी कटोरियां लेकर वापस आई। ये लो प्यारी चिड़िया, तुम्हारा नाश्ता। उसने दोनों कटोरियां उसके घोंसले में रखी। एक कटोरी में दाना और दूसरे में पानी देखकर नीलू खुश हो गई और नाश्ता करने लगी। अब नीलू और चिंकी में अच्छी दोस्ती हो गई।
नीलू चिंकी की भाषा समझ जाती थी, लेकिन चिंकी सिर्फ चूं चूं ही सुन पाती थी। फिर भी वो उसको बहुत पसंद करने लगी। नीलू की जिंदगी अच्छी कट रही थी और जंगल में गोल्डी नीलू को ढूंढते हुए उसके घोंसले पर पहुंचा। नीलू कहाँ है? कहाँ छिपा रखा है उसको? तुम उसके अंडे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मैंने उसको सुरक्षित जगह भेज दिया है। तुम्हारा चूजा पैदा होने के बाद मुझे इस जंगल से निकाल देगा, तोते की भविष्यवाणी है, इसलिए मुझे उसको खत्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमारे बच्चे को तुम्हारे सामने आने ही नहीं देंगे। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। जब तक नीलू वापस नहीं आ जाती, तब तक तू मेरे पास कैद रहेगा। उसने नीलू के पति को अपने पंजों में दबाया और अपने घर ले जाकर उसको बंदी बना लिया। इस तरफ नीलू ने एक अंडे को जन्म दिया, जिसे देखकर चिंकी बहुत खुश हुई। चिंकी और नीलू दोनों मिलकर अंडे की देखभाल करने लगीं। कुछ दिन और गुजरे। सुबह सुबह एक आवाज से चिंकी की आंख खुली। उसने उठकर देखा तो ये आवाज अंडे से आ रही थी। नीलू अंडे के पास ही बैठी हुई थी, तभी अंडा फूट पड़ा और उसमें से एक प्यारा सा चूजा बाहर आया। ओह माय गॉड, तुम कितने क्यूट हो प्यारे चूजे। तुम भी बहुत प्यारी हो दोस्त। उस चूजे को इंसानी भाषा बोलता देख चिंकी चौंक पड़ी। अरे तुम तो इंसानी भाषा बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और मैं जंगल की जगह यहाँ इंसानों के घर में कैसे पैदा हुआ? बेटा मैं तुमको सब बताती हूँ कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम में ये शक्तियाँ क्यों हैं। कहकर नीलू ने उसको बताया कि वो एक जादुई चूजा है और उसको जंगल जाकर गोल्डी से जंगल को आजाद कराना है। फिर चूजे ने इंसानी भाषा में ये सब चिंकी को बता दिया। ओह माय गॉड, तुम्हारी कहानी तो श्री कृष्ण और कंस मामा के जैसी है। क्या तुम लोग अब मुझे छोड़कर जंगल चले जाओगे? उसने उदास होते हुए कहा। अगर मेरा जन्म गोल्डी से जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए ही हुआ है तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम उदास मत हो चिंकी, हम रहेंगे जंगल में, लेकिन हर संडे तुम्हारी छुट्टी के दिन तुमसे मिलने जरूर आया करेंगे। सुनकर चिंकी खुश हो गई। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना और यहाँ वापस जरूर आना। सुनकर नीलू अपने चूजे के साथ वहाँ से निकले। जंगल में बाकी चिड़ियों से पता चला कि गोलू ने नीलू के पति को अपने पास बंदी बना रखा है। दोनों झट से गोल्डी के पास पहुँचे। ये है वो चूजा जो मेरा अंत बनकर जन्मा है। ये मुझे हरा कर इस जंगल को आजाद करेगा। ये सुनकर चूजे को गुस्सा आया। उसने उड़कर अपनी छोटी सी चोंच उसके मुंह पर मारी और उससे खून आने लगा। ये क्या, इतना सा चूजा और हमला इतना खतरनाक? तभी उसने अपनी चोंच में चूजे का मुंह दबा लिया, लेकिन उसको जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। चूजे ने अपना छोटा सा पंजा उसकी आंख में मारा और वो काला हो गया। तेरी इतनी हिम्मत! चिल्लाते हुए वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन चूजे ने देर न करते हुए उसकी दूसरी आंख में भी चोंच मारी और वो अंधा हो गया। चीखते चिल्लाते हुए गोल्डी अंधा होकर वहाँ से उड़ गया। नीलू ने बाकी चिड़ियों के साथ मिलकर अपने पति को रस्सी से आजाद किया। गोल्डी कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चल पाया। उस दिन के बाद वो जंगल में कभी नजर नहीं आया और सभी पक्षी चैन और सुकून से जंगल में रहने लगे। चूजा और नीलू चिंकी से मिलने हर संडे उसके घर जाते और पूरा दिन वहीं उसके साथ बिताते।